हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस यानी कि आईपी टर्म 2 की वीडियो नंबर 2 है। इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं कि एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता, तो मेरी सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, जो जो आपको स्टेप्स बताया जाए उसको फॉलो करते जाना और इंस्टॉल कर लेना। अदरवाइज आगे जब आप वीडियोस करोगे तो जो चीज आपको सिखाई जाएगी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो कंप्यूटर सीखना यूजलेस है। मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल जरूर कर लेना, लेकिन ध्यान से समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। जब मैं आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सिखाऊंगा तो उसके अंदर आपको दो फाइल्स इंस्टॉल करवाऊंगा। जो फर्स्ट फाइल कराऊंगा वो गलत होगी, जब आप इंस्टॉल करोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, लेकिन सेकेंड फाइल करेक्ट होगी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपने सर गलत क्यों सिखाया, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर आपका डेटा रिस्ट्रिक्टेड है, आपके पास कम डेटा है, तो मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि पहले आप पूरी वीडियो को देखना, फिर उसके बाद सही फाइल को इंस्टॉल करना। अदरवाइज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास रिस्ट्रिक्टेड डेटा होता है, लिमिटेड डेटा होता है, तो उसके बाद वो कमेंट्स करेंगे, मैसेज करेंगे, सर आपने पहले क्यों नहीं बताया, गलत क्यों बता दिया। तो मेरी उन सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना फिर इंस्टॉल करना, स्टार्ट करना। और दोस्तों, साथ साथ में प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो, नंबर फ्लैश होता है, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस और कराते हैं, एक्स्ट्रा वीडियोस दी जाती है, साथ में टेस्ट सीरीज दी जाती है। टारगेट हमारा 80% से ऊपर का होता है। अगर आपका 80% से नीचे का टारगेट है तो आप गैप्स क्लासेस की यूट्यूब की वीडियोस को फॉलो करो, आ जाएंगे 80%। अगर आपका टारगेट है 80% से ऊपर का और नॉलेज का, तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्स जरूर ले लेना, और साथ साथ में गैप्स क्लासेस के नोट्स परचेज कर लेना। नॉमिनल सा अमाउंट है, आप आराम से उसको परचेज कर सकते हो। नंबर फ्लैश होता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, गूगल ओपन करेंगे, जैसे मैंने यहां पर ओपन करा हुआ है। तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे, गूगल पे हम लिखेंगे डाउनलोड माई एसक्यूएल। जैसे हम लिखेंगे डाउनलोड माई एसक्यूएल तो ये फर्स्ट लिंक आ रहा है, इस पे हमने क्लिक कर दिया। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से भी क्लिक करके इस साइट पर जा सकते हो। अब ये सारी चीजें आ रही है। अब इस वेबसाइट पे हम क्या करेंगे, सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, सबसे नीचे ध्यान दो ये डाउनलोड्स का सेक्शन आ रहा है, इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है माई एसक्यूएल कम्युनिटी सर्वर, इस पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे ये पेज हमारा ओपन होगा। अब इसको स्क्रॉल करना, अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर दो चीजें हैं जहां पर डाउनलोड लिखा रहा है, एक का साइज है 191.4 और एक का साइज है 434.4। तो जो नेक्स्ट वाला है इस पे हम क्लिक कर देंगे डाउनलोड, जिसका साइज बड़ा उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ये ओपन होगा ये कहेगा लॉग इन करो, साइन अप करो, और आप अगर आपने लॉग इन आईडी बनाना है तो आप बना सकते हो, अगर इसके बिना भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। अब ध्यान दो नीचे ये ऑप्शन आ रहा है नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड, इस पे हम क्लिक कर देंगे। ध्यान देना सेकंड वाला डाउनलोड करना है आपने, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। अब ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड पे, अगर इंटरनेट स्पीड फास्ट है तो जल्दी डाउनलोड होगा, अगर स्लो है तो टाइम लेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो रहा है इंस्टॉल, तो ये हमारा डाउनलोड हो रहा है 13 सेकेंड 11 10 सेकेंड्स। थोड़ी सी मेरी इंटरनेट स्पीड फास्ट है तो इसलिए जल्दी हो रहा है, अगर आपकी इससे भी फास्ट होगी तो और जल्दी हो जाएगा, स्लो होगी तो टाइम ले लेगा। अब ध्यान दो ये हमारा डाउनलोड हो गया, इस पर क्लिक करेंगे, ये आ गया हमारा माई एसक्यूएल डेस, ये हमारी विनजिप फाइल है, इसको मैंने डबल क्लिक करा। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट करने के लिए कहेगा माई एसक्यूएल, हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, ये सारी फाइल्स क्या होगी, एक्सट्रैक्ट हो जाएगी हमारी। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके सिस्टम में होना चाहिए विनरार, उसको अगर नहीं है तो वो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना, जनरली अधिकतर सब सिस्टम्स में होता ही है। तो ये सारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो रही है हमारी, और जहां पर हमने डाउनलोड करा था वहीं पर एक फोल्डर बन जाएगा। आप
ये सारी फाइल एक्सट्रैक्ट होने वाली है, 92% हो गया। कई बार थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, तो जब 100% हो जाएगा तो हम इसी में एक फोल्डर पे चले जाएंगे, इसी नाम का फोल्डर बनेगा जिस नाम से हमारी विनरार फाइल है। 92% दोस्तों ये सारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई, अब इसी नाम का फोल्डर बन गया है जहां पर हमने डाउनलोड करा था, ये माई एसक्यूएल इस नाम का फोल्डर बन गया। इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे। अब ध्यान देना यहां पर ये फाइल्स आ रही है सारी, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट करा है हमने। बट ध्यान देना यहां पर जो गलती करते हैं स्टूडेंट्स वो यही गलती करते हैं जो मैंने अभी आपको डाउनलोड करके दिखाया, और साथ साथ में उसके बाद क्या करा हमने, एक्सट्रैक्ट करा तो ये फोल्डर बन गया। इससे हमारा माई सीक्वल रन नहीं होगा, ये एक मेजर मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते ही करते हैं जब माई सीक्वल को डाउनलोड करते हैं। तो आपने क्या करना है, ये मैंने आपको जानबूझ के गलत करके दिखाया, क्योंकि हर स्टूडेंट यही डाउनलोड करता है, फिर उसको मिलता ही नहीं सॉफ्टवेयर और फिर कहता है सर डाउनलोड नहीं हो रहा। क्या करना है, दोबारा मैं गूगल ओपन कर रहा हूं, ध्यान दो जो हमने डाउनलोड करा था वो हमारी रार फाइल थी, विनजिप वाली फाइल थी। अब दोबारा से मैंने गूगल पे गया, मैं यहां पर अब गूगल पे मैंने लिखा डाउनलोड माई एसक्यूएल फॉर विंडोज 10, क्योंकि मेरी विंडोज 10 है, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। इसके अंदर ये सबसे फर्स्ट वाला है और सबसे सेकंड वाला है, तो यहां पर मैंने सेकंड पे क्लिक करा तो क्या होगा, पेज देखते हैं, वही वाला सेम पेज हमारा ओपन हो गया। कैसे पता चल रहा है, यहां पे जिप आर्काइव जिप सूट आ रहा है, आपके आपको यहां पर नहीं जाना। तो अब मैं जाता हूं फर्स्ट पेज पर, यहां पर ध्यान दो यहां पर MSI इंस्टॉलर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, MSI इंस्टॉलर, इस पे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, फिर वही आ गया लॉग इन साइन अप, इसको छोड़ देते हैं, नीचे ऑप्शन है नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। इससे क्या होगा, इससे हमारी EXE फाइल डाउनलोड होगी। ध्यान देना पहले डाउनलोड हुई थी हमारी विनजिप फाइल, अब यहां पर डाउनलोड हो रही है हमारी EXE फाइल। अब ये डिपेंड करेगा आपकी नेट स्पीड पे, नेट स्पीड ज्यादा है तो जल्दी होगा नहीं तो लेट होगा। अब यहां पे जैसे ये डाउनलोड हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, एक बार मैं पीछे पेज दोबारा दिखा देता हूं, डाउनलोडिंग नीचे हो रही है। यहां पर दो ऑप्शन है, एक फर्स्ट वाला एक सेकंड वाला, आपने जो करना है सेकंड वाला करना है, दैट इज 405.2 MB, ये वाला करना है, 2.5 MB वाला नहीं करना, ठीक है। तो साइज देख लेना ये ऊपर कैसे याद रहेगा, अगर वेब कम्युनिटी है तो इसको नहीं करना, किसको करना है सिंपल कम्युनिटी वाले को। ये फाइल हमारी डाउनलोड होगी, अब मैंने इसको क्लिक करा, अब जहां पर ये फाइल है आप उस पर डबल क्लिक कर दो, जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो एक हमारा इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। तो ये इंटरफेस ओपन आ गया, लिखा आ रहा है प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। अब ध्यान देना ये विंडो ओपन होगी, इस पर हमने यस कर दिया। अब यहां पर क्या हो रहा है, फाइल्स इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो गई है, मैंने एक्सप्लोरर को बंद कर दिया था तो इसलिए ये मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन आ रही है, लिखा रहा है 8 सेकंड रिमेनिंग। दोबारा से बता दूं, फर्स्ट वाला नहीं करना, जो पहले बताया था विनरार वाली फाइल उसको नहीं इंस्टॉल करना, उसको नहीं डाउनलोड करना, ठीक है। जो सेकंड बताया है उसको करना है, फिर से पूछ रहा है यस कर दिया, फिर से बीच बीच में आप प्रॉम्प्ट आता जाएगा यस वगैरह यस करना है आपने, तो ये अभी हमारा इंस्टॉल हो रहा है, बीच में विंडो बंद होगी स्टार्ट होगी, ठीक है। ये ओपन हो गया माई एसक्यूएल इंस्टॉलर 1.4। दोस्तों टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में। फर्स्ट वाली ऑप्शन है डेवलपर डिफॉल्ट सिंपल नेक्स्ट करा हमने, कुछ नहीं करना। अब ये इतनी सारी चीजें सेलेक्ट है, आप एग्जीक्यूट कर दो नॉर्मल, एग्जीक्यूट पे क्लिक करना तो यहां पर कुछ इंस्टॉल होनी चीजें स्टार्ट हो जाएगी। टाइम लगेगा जैसा मैं पहले भी बता रहा था, टाइम लगेगा। अब बीच में ये विंडो ओपन होगी, आपने आई एग्री करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। कुछ सिस्टम पर ये विंडो नहीं आती, कुछ सिस्टम पर आती है, जिस पे आए उसको आप क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना, क्लोज कर दिया। अगर इसको इंस्टॉल नहीं करोगे तो इंस्टॉल नहीं होगा सॉफ्टवेयर। फिर करा हमने नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या कर दिया हमने, ये विंडो ओपन है यस कर दिया।
अब ये रेडी टू इंस्टॉल आ रहा है, आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे, ये एग्जीक्यूट पे क्लिक करा, अब ये चीजें इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। टाइम लेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, अब जैसे ये सारी चीजें एक एक करके इंस्टॉल होगा यहां पर इसका प्रोग्रेस आता जाएगा, जैसे जैसे इंस्टॉल होती जाएगी एक एक चीज वहां पर प्रोग्रेस में हमारा 100% हो जाएगा। ये लिखा रहा है इंस्टॉलिंग। दोस्तों अब ये सारी फाइल्स हमारी इंस्टॉल हो गई है, यहां पे स्टेटस में कंप्लीट आ रहा है। दोस्तों आपको मैंने पहले भी बताया था इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में टाइम लगेगा, तो पेशेंस रखना। अब यहां पर नीचे ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट का, इस पर नेक्स्ट पे मैंने क्लिक करा, फिर दोबारा से कुछ रेडी टू कॉन्फिगर कह रहा है, फिर से नेक्स्ट कर दिया हमने। अब ध्यान दो यहां पर फिर से नेक्स्ट आ रहा है, यहां पर क्या है इससे हमें कोई भी कंसर्न नहीं है, नेक्स्ट करा, इसमें भी कोई भी चेंज नहीं करोगे। फिर से हमने नेक्स्ट करा, अब यहां पर पूछ रहा है माई एसक्यूएल रूट पासवर्ड, तो यहां लिख दिया मैंने गैप्स क्लासेस, मैंने पासवर्ड दे दिया गैप्स क्लासेस कैपिटल में, ठीक है। तो सेम यहां पर भी दे देता हूं गैप्स क्लासेस कैपिटल में, आपकी मर्जी, आप कुछ भी दे सकते हो। यहां पर कह रहा है वीक है, आपने कुछ और रखना है तो आप कुछ और भी रख सकते हो, तो यहां पर मैंने करा नेक्स्ट, फिर करा नेक्स्ट, कुछ नहीं करना, नेक्स्ट 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 करना। अब लास्ट में एग्जीक्यूट आ गया, एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, ये फाइल्स दोबारा से प्रोसेसिंग में चली गई है, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान दो यहां पे लिखा है इनिशियलाइजिंग डेटाबेस मे टेक अ लॉन्गर टाइम, इसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में टाइम लगता है, तो पेशेंस के साथ बैठना, जब आपके पास 15 से 20 मिनट का टाइम हो तभी इंस्टॉल करना इसको। दोस्तों इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको ये बता दूं कि गैप्स क्लासेस में कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा 11th और 12th की। 11th और 12th के अंदर हम कोर्सेज कराते हैं कंप्यूटर साइंस का एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का। 11th 12th के हम ये दो कोर्सेज करवा रहे हैं, और साथ साथ में हमने जूनियर लेवल की कोडिंग भी स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जूनियर लेवल के, 7th क्लास से हम स्टूडेंट्स ले रहे हैं, 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ कोडिंग स्टार्ट कर दिया, और कोडिंग को इतना इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, इतना इजी बना रहे हैं, जिससे कि बच्चे का कंप्यूटर में इंटरेस्ट बने और वो कंप्यूटर के अंदर करियर अपना बनाने की सोचे। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास 6th क्लास के भी हैं, लेकिन हम 6th क्लास के स्टूडेंट्स एक बार उनको चेक करते हैं क्या वो कोप अप कर पाते हैं या नहीं कर पाते कोडिंग में। अगर कर पाते हैं तो लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते। जनरली हमारे पास 7th और 7th से ऊपर है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जिनका लेवल अच्छा है 6th क्लास में भी, उनकी पहले हम कुछ क्लासेस लेते हैं, चेक करते हैं कि वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते, अगर कर पाते हैं तो ले रहे हैं हम उसको। और साथ साथ में जो कॉलेज के कोर्सेस है कुछ ये है, सी, उसके बाद C++, डेटा स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर, काफी बच्चों को समझ नहीं आता लेकिन गैप्स क्लासेस से पढ़ने के बाद डेटा स्ट्रक्चर उनको बहुत आसान लगता है। जावा, पाइथन, ये सारे हमारे कॉलेज के कोर्सेज हैं। और साथ साथ में हमारे पास एक प्लेसमेंट सीरीज है, प्लेसमेंट सीरीज के अंदर हम स्टूडेंट्स को करवाते हैं इंटरव्यूज के क्वेश्चन, जिससे कि उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो ये हमारी प्लेसमेंट सीरीज भी है, बहुत ही इफेक्टिव सीरीज है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बनाई हुई है। अगर आप या आपके किसी फ्रेंड को प्लेसमेंट के टाइम में दिक्कत आ रही है तो आप प्लेसमेंट सीरीज जरूर ज्वाइन करना, और अगर आपका कोई ब्रदर और सिस्टर जूनियर क्लास में तो उनको कोडिंग क्लास जरूर ज्वाइन कराना। ये सारे कोर्सेज हैं जो अभी हम करवा रहे हैं, कुछ टाइम के बाद हम और कोर्सेज ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो उनको भी हम वीडियो से बताना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी फिलहाल ये कोर्सेज हो रहे हैं, अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कोर्सेज से रिलेटेड तो हमें कॉल करो। इसके अलावा जो कोर्सेज हैं अभी इंट्रोड्यूस नहीं करे, बहुत सारे कोर्सेज हैं वो हम गोइंग फॉरवर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे और इसकी अलग से हम वीडियो बना देंगे। तो आपका अगर कोई फ्रेंड है, ब्रदर सिस्टर, छोटा भाई बड़ा भाई, छोटी सिस्टर बड़ी सिस्टर, किसी को भी प्रोग्रामिंग में दिक्कत आ रही है तो गैप्स क्लासेस का नाम जरूर रिकमेंड कीजिएगा। दोस्तों वापिस आते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे, ये सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब देखो नीचे लिखा हुआ द कॉन्फ़िगरेशन फॉर माई एसक्यूएल सर्वर 8.0.2 वाज सक्सेसफुल, क्लिक फिनिश टू कंटिन्यू, फिनिश पे क्लिक करा और फिर नेक्स्ट पे आ गया, और फिर हमने क्या करा, नेक्स्ट नेक्स्ट करना और कुछ भी नहीं करना। अब ये पूछ रहे दोबारा पासवर्ड डालो, ध्यान देना यहां पे यूजर नेम लिखा हुआ है, रूट होता है बाय डिफॉल्ट,
इसलिए यहां पर ये रूट मेंशन है, हमें इसको चेंज नहीं करना। अब आएंगे पासवर्ड पे, मैंने कैपिटल में दिया था गैप्स क्लासेस, चेक पे क्लिक करते हैं। जैसी चेक पे क्लिक करेंगे, अगर यहां पर आता है कनेक्शन सक्सीडेड तो इसका मतलब परफेक्टली इंस्टॉल हो गया। अब आएंगे फिर नेक्स्ट पे और फिर दोबारा से एग्जीक्यूट। बहुत सारे इसके अंदर चीजें हैं, वो सब चीजें हमें देखनी है। बाकी प्रोसेस सिंपल है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, अगर एग्जीक्यूट आ रहा तो एग्जीक्यूट करना है। पासवर्ड पूछ रहा है तो पहले अपना पासवर्ड जो देना चाहते हो वो दोगे। ध्यान देना, यूजर आईडी उसमें पहले ही आ रहा था, रूट आ रहा था, पासवर्ड मैंने गैप्स क्लासेस लिखा और जब टेस्ट पे क्लिक करा तो सक्सीडेड आ गया। इसका मतलब हमने इंस्टॉल सही से कर लिया है। बस अब ये लास्ट, हमारा लास्ट स्टेप है ये। देखो यहां पे नीचे मैसेज आ गया, द कॉन्फ़िगरेशन सेटअप रनिंग स्क्रिप्ट इज टेकिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, इट इज एडवाइज नॉट टू कैंसिल द कॉन्फ़िगरेशन एंड वेट। कह रहा है वेट करो, कैंसिल नहीं करना, कई बार टाइम ज्यादा लगता है। अब यहां पर आ गया द कॉन्फ़िगरेशन फॉर सैंपल एंड एग्जाम्पल सक्सेसफुल हो गया, फिनिश। बस कैंसिल कर देते हैं इसको, कैंसिल नहीं करते, नो कर दिया। अब हम इसको मिनिमाइज कर रहे हैं। अब ये विंडो आ गई, इस पर हम क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। ठीक है, जैसे ही फिनिश करेंगे ये विंडो ओपन हुई और उसके बाद क्लोज हो जाएगी। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, विंडो पे क्लिक करेंगे और यहां पे लिखेंगे MySQL.command 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन हो गई, ये कह रहा है एंटर पासवर्ड। पासवर्ड कौन से एंटर करना, जब हमने इंस्टॉल करा था दिया था, मैंने दिया था गैप्स क्लासेस कैपिटल में, तो लिख दिया गैप्स क्लासेस और एंटर करा। अब अगर ये सब चीजें आ रही हैं, इसमें लिखा रहा टाइप हेल्प, इसका मतलब इंस्टॉल हो गया, अब आप इसको यूज कर सकते हो। एक बार मैं आपको डेटाबेस क्रिएट करके दिखाता हूं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद नॉर्मली आप टेबल क्रिएट करके जो भी काम करना चाहते हो माई एसक्यूएल में कर सकते हो। सपोज मेरे को एक डेटाबेस क्रिएट करना है, दैट इज क्रिएट डेटाबेस, उसका नाम दे दिया मैंने गैप्स क्लासेस कोर्सेस, तो ये लिख दिया गैप्स क्लासेस कोर्सेस सेमीकॉलन। जैसे ही लिखा ये आ गया क्वेरी, ओके वन रोज अफेक्टेड, इसका मतलब डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हमारा सॉफ्टवेयर माई एसक्यूएल सही से इंस्टॉल हो गया, अब आप इसको यूज कर सकते हो। दोस्तों ध्यान देना, आपको मैंने पहले बताया था कि दो फाइल्स होती हैं जिसमें स्टूडेंट पहले वाली को डाउनलोड कर लेता है, कौन सी जिप फाइल को, उसको नहीं करना, सेकंड वाली को डाउनलोड करना है और उसके बाद सिंपल जो मैंने आपको स्टेप्स बताए वही फॉलो करने हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, आप वहां पे डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन से लिंक को क्लिक करके साइट पर जा सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारा नंबर फ्लैश करता रहता है बीच बीच पे स्क्रीन पर, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, और साथ में जब व्हाट्सएप करो तो मैसेज जो आ रहा है वो उसका स्क्रीनशॉट जरूर भेजना। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भेजोगे तो समझ में नहीं आएगा क्या मैसेज आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, क्यों इंस्टॉल नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों उम्मीद रखूंगा आपने भी साथ साथ इंस्टॉल कर लिया होगा। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में, जो हमने लास्ट वाली वीडियो में करा था, उसके आगे हम कंटिन्यूएशन में करेंगे। और दोबारा से रिपीट कर दूं, अगर आपको गैप्स क्लासेस के नोट्स चाहिए तो नंबर फ्लैश होता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। नॉमिनल सा अमाउंट है जो आपको पे करना होगा, और साथ साथ में प्रीमियम कोर्स के लिए अगर एनरोल करना चाहते हो तो भी व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। प्रीमियम कोर्स के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के करवाते हैं, साथ में असाइनमेंट्स देते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, सब कुछ दिया जाता है और एक्स्ट्रा वीडियोस भी दी जाती है। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आपका टारगेट है 80% या 80% से कम, तो गैप्स क्लासेस की यूट्यूब की वीडियोज को आप फॉलो करो, आपके उतने मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका टारगेट है 80% से ऊपर का और नॉलेज के हिसाब से पढ़ना चाहते हो तो गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्स को जरूर एनरोल कर लेना। नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है, लास्ट में क्या आएगा, थंबनेल आएगा, और अगर अपलोड नहीं हुई होगी तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जैसी वीडियो खत्म होगी तो क्या कर लेना, थंबनेल पे क्लिक करना, नेक्स्ट वीडियो देखना, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।